Next question. Question says a wave traveling in the positive x direction having displacement along y direction as 1 meter, wavelength 2 pi and frequency 1 by pi hertz is represented by, और ये चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ना। बहुत सिंपल सवाल है, यहाँ पे हमें बेसिक वेव्स के फंडे क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे हम अपनी वेव की इक्वेशन को लिख सकते हैं कि y विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t। ये आपकी वेव की इन जनरल इक्वेशन लिखी जा सकती है, जिसमें हम कहते हैं कि a आपका एम्पलीट्यूड है, k आपका यह जो एंगुलर वेव नंबर है, और ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है। नाउ यहाँ पे अपने को दिया हुआ है a जो है वो अपने को दिया हुआ है 1 मीटर, और हमें यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है 2 पाई। नाउ k जो होता है, k को हम लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, और यहाँ पे अपने को क्योंकि लैम्डा 2 पाई दिया हुआ है, तो उसकी वजह से आपके k की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई, यानी कि 1। ओमेगा के लिए यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 बाय पाई हर्ट्स, सो ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई f। यहाँ पे अपने को f की जो वैल्यू है 1 बाय पाई दी हुई है, यानी कि हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय पाई, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 रेडियन पर सेकेंड। सो इसके बेसिस पे ये सारी वैल्यू अपनी आ गई है। सो फाइनल इक्वेशन जो हो जाएगी y दैट विल बी इक्वल टू a यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ k, k की वैल्यू आपकी 1 है, x माइनस ओमेगा की वैल्यू 2t, ये आपकी फाइनल वेव हो जाएगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर c वुड बी द राइट आंसर।